हेलो फ्रेंड्स, अभिलाषा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। बेसन के लड्डू सभी को बहुत पसंद होते हैं और मेरा भी ये फेवरेट है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में बेसन के लड्डू किस तरीके से बनाते हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं हम बेसन के लड्डू को बनाने की तरफ को। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे 1.5 कटोरी के करीब मैं देसी घी ले रही हूँ। थोड़ा सा घी अभी फ़िलहाल मैं बचा ले रही हूँ, मैं इसे बाद में ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं 1.5 कप ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन लूँगी 1.5 कटोरी। यहाँ पे बेसन को और घी को मैं समान मात्राओं में ले रही हूँ, दोनों को बराबर मात्रा में। इसे मैं लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनूंगी जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। आप किसी भी तरीके का बेसन इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, बारीक पिसा भी हुआ, थोड़ा सा मोटा बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू किसी भी तरीके के बेसन के अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो लो फ्लेम पे इसे लगातार हम चलाते हुए भुनेंगे, फ्लेम तेज ना रखें वरना बेसन नीचे से लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये लूज होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से बुनना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा ये लूज होना शुरू हो जाएगा। देख सकती हैं कितना ढीला ये हो चुका है। अब जो बचा हुआ घी है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मैं भुनूंगी। आप स्टार्टिंग में भी पूरा घी डाल सकते हो पर मैं बाद में थोड़ा सा डालती हूँ जिससे अंदाजा सही हो जाए। धीरे धीरे कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब घी डालने के बाद मैं इसे फिर से लो फ्लेम पे लगातार चलाऊंगी क्योंकि इस स्टेज पे बेसन लगना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ही पक चुका है हमारा बेसन, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। दूसरे बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ठंडा होने के लिए। मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रखती हूँ। ये ठंडा हो चुका है, मैं इसे उंगली से टच करके देख रही हूँ और ये हल्का हल्का सा गर्म है, बिल्कुल ल्यूकवार्म सा। इसमें मैं यहाँ पे 3¾ कप ऑफ शुगर पाउडर ले रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे जितना बेसन ली हूँ उसका दुगना आपको शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें करारा भी यूज़ कर सकती हूँ पर मैं यहाँ पे बूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से हाथों से इसे मैश करते हुए इस तरह से मिलाते हुए मिलाएं, बिल्कुल भी गुठली नहीं रह जानी चाहिए इसमें। अच्छी तरीके से इसे मिला लें। बूरा डालने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है और इसे ऐसे हल्का सा दबा के और अब छोटे छोटे हम इसमें लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए यूँ गोल गोल घुमा के आप बनाएं। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपसे बन जाएंगे। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हमारा लड्डू बनना शुरू हो गया है और इसका शेप गोल आना हो शुरू हो गया है। धीरे धीरे करते करते बिल्कुल चिकना और गोल हो जाएगा। आप देख सकते हैं लड्डू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारे लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कॉमेंट करें।